एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं वो है सोलियस स्ट्रेचिंग। सोलियस मसल में पिक्युलैरिटी क्या है कि वो सिंगल जॉइंट मसल है, जैसे गैस्ट्रोनिमस की हमने बात की थी, वो नी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जाके कैल्केनियम पे अटैच हो रही है, टू जॉइंट मसल है, तो मूवमेंट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह हो रहा है। बट सोलियस जो है काफ के पोस्टीरियर साइड से यानी कि टीबिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से गई और कैल्केनियम पे अटैच हो गई, तो सोलियस को स्ट्रेच अगर आप इसी पोजीशन में करोगे, मतलब नी एक्सटेंड करके सोलियस को स्ट्रेच करोगे, तो उस पर इफेक्टिव स्ट्रेच नहीं आ पाएगा क्योंकि इस पोजीशन में सिर्फ गैस्ट्रोपनीमियस स्ट्रेच हो रही है। तो सोलियस को स्ट्रेच करने के लिए हमें पहले गैस्ट्रोपनीमियस को थोड़ा लूज छोड़ना होगा, उसको लूज करने के लिए क्योंकि ये टू जॉइंट मसल है तो एक जॉइंट को आप रिलैक्स कर दो। तो आपने क्या किया, नी जॉइंट के नीचे एक बॉल्सर रख दिया, बॉल्सर रख के क्या हुआ, अब जो गैस्ट्रोपनीमियस मसल है वो इट इज एट अ स्लैक, तो अब आप इसको यहाँ स्ट्रेच भी करते हो तो गैस्ट्रोपनीमियस उतनी स्ट्रेच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेच आएगा इफेक्टिवली सिंगल जॉइंट पे आएगा जो कि सोलियस मसल है। अब सोलियस मसल को स्ट्रेच करने लिए अगेन पेशेंट पोजीशन सुपाइन लाइन विद बॉल्स्टर अंडर द नी, बॉल्स्टर रख के आपका एक हाथ डिस्टल टिबिया के ऊपर, दूसरा हाथ कप करेगा हील को, आपकी पोजीशन होगी वॉक स्टांस, आप पेशेंट के फेस को देखोगे एंड अब आपने अपना फोरआर्म प्लेस करके फोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी गैस्ट्रोपनीमियस के लिए कि एल्बो को स्ट्रेट रख के प्रॉपर फोर्स अप्लाई करनी है पेशेंट को देखते हुए एंड यू गो फॉरवर्ड। अब क्योंकि नी बेंट है 10 टू 15 डिग्री एंगल पे, आपने डिस्टल टिबिया को स्टेबिलाइज कर रखा है, तो इससे क्या हुआ कि जो फोर्स है वो सोलियस के ऊपर आई। अब आप इस फोर्स को भी होल्ड करोगे 15 टू 20 सेकंड्स की काउंट तक और 3 टू 4 रिपीटेशंस करोगे, तो इस तरह से सोलियस मसल की स्ट्रेचिंग आप करोगे। तो गैस्ट्रोपनीमियस और सोलियस में डिफरेंशिएट कैसे करना है कि जब आप गैस्ट्रोपनीमियस को स्ट्रेच करोगे तो उस टाइम पे आपने नी को स्ट्रेट रख के करना है, और जब आप सोलियस को स्ट्रेच करोगे तो उस टाइम पे आपने नी को बेंड करके स्ट्रेच करना है। और तीसरी और लास्ट चीज ये है कि एक एक्सरसाइज और है जो आप इनकी स्ट्रेचिंग के लिए कर सकते हो, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ सोलियस को स्ट्रेच कर रहे हो आइसोलेटेड वे में। आपने क्या किया, आपने डिस्टल कैल्केनियस को ग्रिप किया, फोरआर्म को प्लेस किया, जो दूसरा हाथ है उसे आपने पेशेंट के नीचे प्लेस किया, राइट। अब नी के नीचे प्लेस करके आप नी को बेंड कर रहे हो। अब जैसे जैसे नी बेंड हो रही है आप अपना हाथ यहां से बाहर निकाल के ऊपर ले आए और आपने नी को ऊपर से होल्ड कर लिया। अब यहां लाके आपने अपना एल्बो को पूरा स्ट्रेट करना है, वॉक स्टांस पोजीशन में आना है और ये आपने स्ट्रेच अप्लाई कर दिया। अब स्ट्रेच अप्लाई करते हुए यहां से आपने धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करते जाना है और अपनी बॉडी को आगे लीन करते जाना है। ये स्ट्रेच करने से क्या होगा कि अभी नी बेंट है, पूरा फोर्स सोलियस के ऊपर आ रहा है और आप नी को स्ट्रेट करते जा रहे हो और पूरा सोलियस स्ट्रेच होती जा रही है प्रॉपरली। दिस इज द बेस्ट वे टू डू सोलियस स्ट्रेच। जो लोग थोड़े थिन है वो बॉडी का वेट यूज करेंगे आगे अपने आप को प्रोपेल करने के लिए और इस फोर्स को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए। किसी भी स्ट्रेचिंग में आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसे नहीं करोगे, मतलब आपने क्या किया कि स्ट्रेच किया पूरा और फिर झटके से वापस आ गए, इससे आपका खुद का इंजरी होने के चांसेस होते हैं और साथ में पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो आपका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ आप स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करेंगे, पेशेंट को देखना जरूर है, पेशेंट को देखेंगे कि ओवर स्ट्रेच ना हो और फिर वापस भी बहुत स्मूथली आएंगे ताकि मसल को वापस आने का टाइम मिले और मसल ओवर स्ट्रेन ना हो। तो इस तरह से आप सोलियस और गैस्ट्रोपनीमियस का स्ट्रेच करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम बाकी स्ट्रेचेस के बारे में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।